सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज हम आए आपको लेके इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ी बाजार। सो गाइस, यहाँ पे होने वाला मस्त मस्त सारा आइटम। तो यार जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार जल्दी से व्लॉग को कम्प्लीटली वॉच करो और चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो। स्टार्ट कर रहे हैं। सो गाइस, यहाँ से अपना चालू हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ी बाजार। सॉरी गाइस, यार कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा है यार, मेरे फ़ोन में स्टेबिलिटी मोड नहीं और मेरे पे इस टाइम कोई ट्राईपॉड वगैरह भी नहीं है। तो यहाँ पे दिखा देता हूँ पहले। तो भैया बेच रहे हैं हेडफोन, 50-50 रुपये के हेडफोन होने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप, 50 रुपये हेडफोन है। चालू करके देख लो, जो आपको सही लगे वो ले जाओ। तो बहुत चीप प्राइस के अंदर लगा मेरे को। और बोट के पता नहीं कौन सी कंपनी है, ए लिखा हुआ है इन पर हेडफोन, ऐसे हेडफोन होने वाले हैं ये। सो गाइस देख सकते हो कैसे हेडफोन कैलकुलेटर वगैरह, मतलब 10-10, 20-20, 30-30, 50-50, 60-60 रुपए की चीज़ें मिल जाती है। तो जल्दी से आओ यार और लूट के ले जाओ यार, मज़ा आने वाला है यार आज के इंटरेस्टिंग व्लॉग में आप सबको। उम्मीद करता हूँ यार थोड़ी सी वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। यार सॉरी, थोड़ी वॉइसिंग भी ऊपर नीचे हो चुकी है मेरी, मुझे पता है। और चेक करके ले जाओ जो उनसे सही लग रहे हैं आपको। सो गाइस यार सॉरी यार, मैं अभी बिगनर हूँ और न्यू यूट्यूबर हूँ। तो यार आप मेरे को सपोर्ट करो ताकि मैं भी एक अच्छे से माइक वगैरह यूज़ कर सकूँ और ट्राईपॉड वगैरह ले सकूँ यार, ताकि मेरी वीडियो ना हिले। तो यार उम्मीद है आप अपने भाई को ज़रूर सपोर्ट करोगे। तो यार जल्दी से हम आगे दिखाते हैं। यहाँ पे एक भैया दे रहे थे मदरबोर्ड वगैरह, बेच रहे थे। दिखाता हूँ किस चीज़ के मदरबोर्ड, भैया पता नहीं किस चीज़ के मदरबोर्ड है। और अगर आपको पता हो तो आप मेरे को ज़रूर बताओ किस चीज़ के मदरबोर्ड हैं, वैसे मेरे को तो पता है नहीं यार किस चीज़ के हैं। सो गाइस यहाँ से तो अपन निकल जाते हैं आगे, क्योंकि यार ये सारी अपनी समझ से ऊपर चीज़ें। तो यहाँ से आगे निकलते हैं और आगे दिखाते हैं कि आगे क्या होने वाला है अपना यहाँ पे। सो भैया यहाँ पे चल के देखते हैं इन भैया पे क्या होने वाला है, थोड़ा सा देखते हैं। तो इन भैया यहाँ पे भैया कैमरा दिखा रहे हैं यार, देखते हैं यार कैमरा कैसा होने वाला है। थोड़ा सा घूम के आना पड़ेगा यार, हमें दिख भी नहीं रहा इतनी भीड़ हो रही है। अरे भैया कोई तो दिखा दो यार, एक मिनट। हाँ सो भैया कैमरा चेकआउट कर रहे हैं। तो रुको गाइज, आपको थोड़ा कैमरा करके दिखा दो मैं, कैमरा कहाँ रखा हुआ है। जहाँ ये भाई निकाल लें उस थोड़े बॉक्स में 4-5 कैमरे पड़े हुए हैं। ये देखो ऐसे कैमरे होने वाले हैं और ये खुल जाते हैं थोड़े से, ये कैमरे हैं। ये देखो ये कैमरा है और ये ऐसे ही है, 50 रुपये चालू कैमरा नहीं है गाइज, 50 रुपये 100 रुपये ऐसे ही है। भाई मुंह पे कह रहा था चालू नहीं है भाई, जो है यही है डमी पड़ा हुआ है। देखो तक तो कितना आइटम पड़ा हुआ है, जो आपको पसंद आए चीज़ वो आओ उठाओ खरीदो ले जाओ। तो उसके बाद आगे निकलते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या होने वाला अपना आइटम। सो भैया आगे यहाँ पे भैया दे रहे थे ये ब्लूटूथ स्पीकर, जो भैया ने थोड़ा महंगा बताया, 950 रुपये करीब का बताया यार। मैं तो रेट सुन के ही आगे पीछे हो गया, मैं कह रहन दो यार बेकार है 950 का, यहीं से खरीदेंगे तो इससे बढ़िया दुकान वगैरह अगर ठीक अच्छा कंडीशन में खरीदेंगे। तो ये देखो 50-50 रुपये के स्पीकर पड़े हैं नीचे, और यहाँ पर डाटा केबल वगैरह मिल रही है, और ये मिल रहे हैं भाई कैमरा के बटन, और सॉरी बटन मतलब कैमरा के बटन नहीं, मतलब ये एक बटन है, मतलब इसे दबाने के बाद ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होने के बाद अगर फ़ोन में कनेक्ट कर लेते हैं तो इससे आपका कैमरा चल जाता है। और वैसे चालू था ये, देखो लाइट जल रही थी अभी इसमें। और ये दे थे भैया 50 रुपये पर पीस के हिसाब से, और चालू बटन थे यार। तो सही है यार, 50 रुपये के हिसाब से कोई चीज़ बुरी नहीं है। देख सकते हो मैंने 2-3 चीज़ देखी, 2-3 बटन के हाँ चालू हैं तो हैं। सो आगे निकल के दिखाते हैं आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ी बाजार में, बहुत आइटम होने वाला है यार आज के दिन। तो जल्दी चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर दो यार। और सॉरी गाइस, वीडियो बहुत ज़्यादा हिल रही है इसकी वजह से, आपसे माफ़ी मांगते हैं। यहाँ पे सोलर पैनल मिल रहे थे भैया, 100 रुपये पर पीस दे रहे थे सोलर पैनल। तो देख सकते हैं 100 पैरल होने वाला है ये, 100 रुपये पर पीस के हिसाब से। और यहाँ देख सकते हैं स्पीकर, देखो कितना कैड़ा स्पीकर रखा हुआ है। और इस स्पीकर के प्राइस भैया ने 500 रुपये पर स्पीकर बताया था, पर पेयर नहीं, 500 रुपये का सिंगल स्पीकर गाइस, बहुत हैवी स्पीकर था क्योंकि वो। सो गाइस आगे देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा और क्या मार्केट लगी हुई है। यहाँ पर भी थोड़ा सा रश हुआ पड़ा है, तो देखते हैं अंकल जी क्या बेच रहे हैं। तो अंकल जी बेच रहे हैं अपने कैमरा पेन, ये गाइस जितने पेन रखे हुए हैं सामने बहुत सारे ढेर से, सारे कैमरा पेन होने वाले हैं। और 100 रुपये पर पीस के हिसाब से भैया कैमरा वाला पेन बेच रहे थे। तो देख सकते हो आप आओ लेके जाओ 100 रुपये में, भैया चेक करवा के दे रहे थे चार्जिंग करके दिखाते हैं। भाई कह रहे थे कि चेक करके ले जाओ कि चार्जिंग हो रही है नहीं हो रही, चलने वाले भैया को भी नहीं आता चलाना वगैरह। तो भैया कह रहे हैं मेरे को नहीं पता भाई,
लेकिन 16 GB इसके अंदर मेमोरी है और कैमरा लगा हुआ है, रिकॉर्डिंग हो सकती है। सो गाइज मैं आ गया कि अगर चालू चीज़ नहीं करके दिखाते यार पैसे डालना बेकार है। और आपका मन है, अगर आपका दिल कहता है तो लेने का तो आप ले सकते हो, वरना मैं तो अलाउड नहीं करूँगा। जो चीज़ चालू है वही लेके जाओ यहाँ से। यहाँ देख सकते हो यहाँ कैम मिल रहा है, डाटा केबल, लीड और अडप्टर, स्पीकर और बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। सब चीज़ों के प्राइस अलग अलग होने वाले हैं, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, इससे ज़्यादा कोई प्राइस नहीं है। ज़्यादा ज़्यादा 50 रुपये, 50 रुपये से ऊपर कोई आइटम नहीं होने वाली यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एक भैया देख सकते हो, मिक्सी, प्रेस, जूसर वगैरह ले गए। मिक्सी भैया पे थी 800 रुपये की, देखो स्टीमर भी है यहाँ पे एक, और मिक्सी थी भैया पे 800 रुपये की, और प्रेस थी भैया पे 250 रुपये की। तो मिक्सी और प्रेस दिखाने के बाद अब अपन लोग चलते हैं आगे, आगे देखते हैं क्या होने वाला है। सॉरी गाइस यार कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा है। यहाँ देख सकते हो चार्जर रखा हुआ है और बहुत आइटम होने वाली है यार, इतने आइटम कि अपन दिखा दिखाते थक जाएंगे, लेकिन आइटम ख़त्म नहीं होने की। मतलब इतना सामान मिलता है 10-10, 20-20, 30-30 रुपये के अंदर। तो गाइस यहाँ से अपने चालू हो जाते हैं पटरी लगना, और देख सकते हैं एडजस्ट पड़े हुए हैं मात्र 40-40, 50-50 रुपये के भी एडजस्ट हैं ये, 40 रुपये एडजस्ट, 50 रुपये एडजस्ट, सस्ते एडजस्ट होने वाले हैं थोड़े से। ये देखो ऐसे एडजस्ट होने वाले हैं ये, और चालू एडजस्ट होते हैं ये थोड़े से, मतलब ये ख़राब नहीं होते यार एडजस्ट, तो चालू निकल जाते हैं बिना चेक करके भी लेके जाओ तब भी वो चालू निकल जाता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी एक दो लेके आया था तो चालू हो थे वो, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनमें। और वैसे अगर आपको चेक करवा के लाओ तो ज़्यादा बेस्ट है, मैं ऑप्शन चेक करवाने वाला ही दूंगा, रिस्क बिल्कुल ना ले, क्योंकि फिर आपके पैसे ख़राब होंगे तो अच्छा नहीं है ना यार। अगर आपके 10 रुपये भी बर्बाद जाते हैं तो देख सकते हो यहाँ पे कितना आइटम पड़ा हुआ है, 50 रुपये, 60 रुपये ऐसे ही मिल रहा है सारा। स्पीकर देख सकते हो, स्पीकर पड़े हुए हैं गोल, आप इनमें थोड़ा जुगाड़ करके अपने कंप्यूटर वाले स्पीकर बना सकते हो। और यहाँ देखो DVD की वो हार्ड डिस्क की स्लाइड पड़ी हुई है, और भैया ने ये स्लाइड बताई 30 रुपये के अंदर, जिसके अंदर तीन मोटर थी इसके अंदर, और 30 रुपये की बताई थी। तो ठीक डील लगी मेरे को थोड़ी बहुत की, हाँ सही है यार, 30 रुपये में तीन मोटर तो है ही, 10 रुपये मोटर के हिसाब से पड़ जाता है ये। सो गाइस जल्दी से अब आगे देखते हैं कि दूसरा आइटम क्या होने वाला है। ये देखो ऐसी होने वाली है, थोड़ी सी गियर वगैरह होने वाला है, ऐसे मोटर है इसमें, गोल वाली मोटर लगी हुई है, एक मोटर पीछे को लगी हुई है। सो गाइस ये मेरे को बुरी नहीं लगी, सही है ये थोड़ा बहुत, ऐसे वापस रख के उसके बाद आगे आइटम देखते हैं और क्या आइटम होने वाला है। ये देख सकते हो भैया पर कितना कवाड़ा पड़ा हुआ है, आई मीन कवाड़ा नहीं, मतलब कितना आइटम पड़ा हुआ है, और मतलब इतना आइटम पड़ा हुआ है जितना हम दिखा नहीं सकते। और यहाँ देख सकते हो भैया मोटर दे रहे हैं यार, 100 रुपये पर पीस के हिसाब से एक मोटर दे रहे हैं। और यहाँ देख सकते हो एक मिला हमें रिमोट कंट्रोल कार का, रिमोट कार पता नहीं भाई, रिमोट यहाँ पड़ा हुआ है, कार नहीं पता, कार भी पड़ी हो या ना पड़ी हो, वैसे अपने कुछ काम का है नहीं, लेकिन हैवी रिमोट था यार, मोस्टर ट्रक का या कोई हैवी कार ही होगी जिसका रिमोट है ये। उसके बाद आगे चल के देखते हैं यार अपने पे क्या होने वाला है। हाँ मैं दिखा रहा था आपको मोटर, मोटर आपको दिखा चुका, 100 रुपये पर पीस की ये मोटर होने वाली थी। ट्राईपोड, रिंग लाइट वगैरह भी पूछ के बता चुका था मैं, ये रिंग लाइट होने वाली थी 450 रुपये की रिंग लाइट थी ये, और शायद पता नहीं कितने इंची की थी, जितने की भी 450 रुपये की बताई थी भैया ने। और यहाँ देख सकते हो बाल्टी, ये जो गाय बेस ट्यूब वाली बाल्टी थी ना, ये भैया ने बताया मेरे को, बताया 3,000 रुपये की सब कुछ साथ में, भैया गए 3,000 रुपये की पड़ जाएगी आपको, बढ़िया बेस आएगी कैडी। तो यार बेकार नहीं लगी, 50-50 रुपये के अंदर मिल रही हैं ये लाइट वाली पट्टियाँ, 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, थोड़ा रेट आगे पीछे होता रहता है यार, 10-20 रुपये, वरना इतनी मिलती हैं आस पास, 50 रुपये, 60 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं मिलती। तो गाय देख सकते हैं ऐसी पट्टियाँ आई हैं। उसके बाद यार अपनी मार्केट में आइटम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, तो आप आके विजिट करो अपने इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ी बाज़ार के अंदर, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा यार, बोर नहीं होंगे कि कहाँ घूम रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो यार कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ बनाने में या फिर कुछ कारिस्तानी करने में, मतलब मोटर के तार इधर उधर, आप भी अपने घर के सर्किट वगैरह उड़ा देते हैं, तो आप ज़रूर विजिट करो यार, आपके लिए ही बनी है ये मार्केट। और यहाँ पर आप जैसों के लिए सामान मिलता है यार, मतलब इतना सामान मिलता है ना कि बंदा बोर नहीं होना, और सही सही सामान मिल जाता है कभी कभार सस्ते में, ऐसे 50-50 रुपये में बहुत बढ़िया सामान मिल जाता है यार, जिसकी आपको नॉलेज होती है वही चीज़ उठा के लेके जाओ यहाँ से, और जिसकी नहीं है वो मत लेके जाओ यार।
और हमेशा यार जो भी आइटम लेके जाओ चेक करवा के लेके जाओ, तो देख सकते हो यहाँ कितना आइटम पड़ा हुआ है अलग अलग। ये देख सकते हो यहाँ साइड में रिमोट पड़े हुए हैं गेम वाले, 50-50 रुपये का रिमोट है। पता नहीं गेम वेम कैसे चलते होंगे, अगर चलते भी होंगे तो इनमें। गाइस मेरे को तो कुछ पता है नहीं, तो देख सकते हो क्या क्या आइटम मिल रहे हैं। उसके बाद आगे चल के देखते हैं आगे क्या होने वाला है। सो गाइस आगे होने वाले हैं अपने यहाँ स्पीकर, 50-50 रुपये में यहाँ स्पीकर मिल रहे हैं और टॉर्चेस मिल रही हैं देख सकते हो। और इस जगह देख सकते हो स्पीकर मिल रहे हैं यहाँ पे 50 रुपये स्पीकर, मतलब 50-60 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये 60 रुपये, इससे ज़्यादा ऊपर है ही नहीं। अगर बार्गेनिंग कर सकते तो कर लो, जैसे 4 स्पीकर 150 रुपये में आराम से दे देंगे और 100 के 3 स्पीकर आराम से दे देंगे। मतलब अगर आप बार्गेनिंग कर सकते हो तो आराम से कर लो। देख सकते हो क्या वो स्ट्रिप लाइट देखो कितनी मस्त लग रही थी, मल्टी कलर के अंदर लगी मेरे को शायद। और चलते हैं। सॉरी गाइज यार मैं बार बार माफ़ी चाह रहा हूँ, क्योंकि यार मेरा कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा है, मेरे को भी पता है, क्योंकि मेरे पर कोई वो नहीं है कुछ। देख सकते हो यहाँ पे कैमरे के फ्लैश मिल रहे हैं गाइज, कैमरे के फ्लैश, कैमरे का लेंस भी था शायद भैया पे, हाँ मैंने देखा था, तो कैमरे का लेंस भी था, कैमरे का फ्लैश भी था। 100-100 रुपये में भैया कैमरे के फ्लैश दे रहे थे, कैमरे के लेंस भी दे रहे थे। तो यहाँ से आपने कुछ लगा नहीं अपने मतलब का है यहाँ, तो फिर आगे निकल गए। ये देख सकते हो यहाँ पे कैसा कैमरा मिल रहा है, ये थोड़ा टूटा फूटा सा, बहुत पुराने ज़माने से का कैमरा लग रहा है गाइस मेरे को तो, ये बाबा आदम के ज़माने का कैमरा। जो भी है गाइस आपके सामने है, मात्र 50-60 रुपये का कैमरा है, भैया के हाथ में एडजस्ट था 50 रुपये एडजस्ट। उसके बाद देख सकते हैं यार इतनी आइटम होने वाली है, बहुत आइटम, बहुत आइटम मार्केट में, बहुत ज़्यादा आइटम होने वाली है। ये 50-50 रुपये में मिल रहे थे यार, ये जो लाइट मिल रही थी इसमें इमरजेंसी लाइट टाइप था, ये पता नहीं कितने 50 रुपये लाइट दे रहे थे, डब्बे बॉक्स पैक सहित। भाई कह रहे थे ले जाओ यार नया। ये देख सकते हो यहाँ हारमोनियम, मतलब हारमोनियम नहीं क्या पियानो टाइप जो भी है, पियानो है या जो भी कह सकते हो आप इसे, मिल रहा है। और यहाँ देखो प्रेस्टीज का वो मिल रहा है, क्या कहते हैं इसे, इंडक्शन। तो गाइस ये इंडक्शन जो था भाई ने 300 रुपये का बताया था, और वो जो गिटार कह रहा हूँ मैं, पियानो टाइप था वो बताया था भैया ने 250 रुपये का। और यहाँ पे देख सकते हो हेडफोन मिल रहा है और पावर बैंक मिल रहे हैं। यार पावर बैंक के बेकार होते हैं, पावर बैंक का मट्टी वट्टी निकल जाती है। और यहाँ पे देख सकते हो हार्डवेयर के टूल वगैरह मिल रहे हैं, यहाँ पे भैया टूल दे रहे हैं। और यहाँ देखो गोल्फ की बॉल रखी हुई है भाई, अगर किसी गोल्फ बॉल चाहिए तो वो भी ले जाओ आगे। और यहाँ कैची रखी हुई है, टेप रखी हुई है, मतलब इतना आइटम रखा हुआ है यार, जितना कह सकते भर भर के 10-10 रुपये कैंची है, 5-5 रुपये कैंची भी है यार, और इंची टेप वगैरह, मतलब बहुत आइटम रखा हुआ है। आप आके एक बार विजिट जरूर करो यार, इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ी बाजार लाजपत राय मार्केट के अंदर। तो यार थोड़ी देर में ब्लॉग को करते हैं थोड़ा सा यहीं पर, धीरे धीरे एंड करना स्टार्ट करते हैं यार, क्योंकि थोड़ा ब्लॉग 10-15 मिनट के करीब का हो गया है। तो यार ब्लॉग को धीरे से एंड करते हैं, ये अपनी इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ी बाजार मार्केट हो जाती है। यहाँ पे देख सकते हो आप हार्डवेयर का टूल मिल रहे हैं और मतलब पेचकस प्लास वगैरह सब कुछ मिल रहे हैं। तो गाइस देख सकते हो पेचकस प्लास वगैरह मिल रहे हैं, मतलब ये थोड़े यूज़ वाले होते हैं, जो थोड़े यूज़ वगैरह होते हैं। तो यार जल्द से ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड, और ये अपनी इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ी बाजार मार्केट होने वाली है, और जल्दी से व्लॉग को यहीं एंड करके मिलते हैं अनदर व्लॉग में। और चैनल पर तो व्लॉग को करते हैं एंड, चैनल पर नए हो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर जाओ, शेयर जरूर करना, और जब मिलते हैं अनदर व्लॉग में, बाय बाय।